फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो किचन है और देखते हैं कि चाय जो है वो आग पर कैसे बनती है। सो इंटरेस्टिंग। शेजी मूड़ा चाहिए आपको तो वहाँ पे ले लो। ठीक है, पीछे हो पीछे हो पीछे हो। क्या दूध बॉयल हो रहा है? नहीं, हम लोग ये अब चाय बन गई, चाय बन गई। अच्छा, इतनी जल्दी अभी भी बनाई है? जी अभी। अच्छा माशाल्लाह, ये ज़्यादा काम फास्ट करता है। जी ये जल्दी करता है, गैस से भी जल्दी बनता है? जी नहीं, जल्दी ही बन जाता है। अगर आग ठीक चल रही हो तो फिर जल्दी बन जाता है। और लकड़ियाँ देखो, हमने कितनी मोटी लकड़ियाँ रखी हैं ना। लकड़ियाँ क्या मिट्टी की तेल से आग लगाते हैं? नहीं, शॉपर ऊपर रख ना, शॉपर ऊपर रख के आग लगाती है। जी ये आधा चूल्हा है, जैसे हांडियाँ, आप लोगों की हांडियाँ काली तो नहीं होती हैं? हो जाती हैं। कैसे हैं, क्या कौन सी चीज से मांजा जाता है? जैसे सारे धोते हैं वैसे ही। अच्छा अच्छा आराम से बैठ के। और कितना देखें मौसम, कल रात में पूरी बारिश हुई है, तो अभी ये आग कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी आग के पास से सुकून मिल रहा है, लेकिन ये आगे गर्मियाँ जब आती हैं, गर्मी में मुश्किल हो जाता है, गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है, चूल्हे के पास बिल्कुल जाया नहीं जाता। अभी तो यहाँ से लग रहा है सुकून मिल रहा है, क्योंकि पूरी रात जो है वो बारिश होती रही है, तो सुकून मिल रहा है। चलें, अब खैर सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, अभी हाथ ऐसे रखो तो सुकून सा मिल रहा है। मैंने बाहर टीवी वगैरह पे देखा है ऐसे होते हैं किचन, ऐसे होते हैं, आज मैंने खुद देख लिया फर्स्ट टाइम। और ये लकड़ी है ना, ये मोटी मोटी जो लकड़ियाँ पड़ी हैं, और ये कुल्हाड़ा, जी बहुत बड़ा कुल्हाड़ा है, माशाल्लाह बिग कुल्हाड़ा है। छोड़ दे, चेहरे पे लगता है? नहीं, चेहरे पे नहीं लगते, बस ये डर होता है कपड़े वगैरह ना जल जाए। अच्छा 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 इस चीज़ से ज़्यादा थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। आप वो कितने साल हो गए स्टडी किए हुए? फ्यूचर में कुछ नहीं सोचा? गाँव में ऐसे ऐसे काम ही सोचते हैं लोग, वैसे पढ़ा देते हैं बच्चे को, फिर घर बिठा देते हैं, बस ठीक है बच्चे हम घर नहीं, बैठे। कितना पढ़ा के जो है वो घर में बिठाते हैं? ये 14 पढ़ ली तो 12 पढ़ ली तो बस ठीक बस है। 12 और 14 पढ़ लिया, बीए तक कर लिया। जी और आप दोनों का इरादा क्या, आपका क्या इरादा था? उन्होंने तो एफएससी करके छोड़ दिया आपने। पढ़ने पे दिल चला है। दिल है आपका थोड़ा बहुत आगे? जी अच्छा, अगर शादी ना हुई तो? शादी वैसे जल्दी करते हैं आप लोग की, देर से? नहीं, शादी लेट करते हैं। लेट करते हैं, ये सही है। जल्दी नहीं करते। और जॉब वॉब का क्या सिलसिला है? जॉब अगर करनी हो तो वैसे मना नहीं करते, अच्छा अच्छा मना घर नहीं में कर। ये परमिशन है, कर ले ठीक है कर ले। अच्छा, तो मैं आपकी मूवी नहीं बना रही। अच्छा, फिर जमीन की आरिया में जो आपको बताना है कि आप ये ना समझे आपकी मूवी बना रही हो, आग पे है, ठीक है, आपकी मूवी नहीं बन रही। वैसे तो गांव के थोड़ा माहौल सख्त होता है ना, वो फिर इस तरह करने नहीं देते अच्छा। ये जॉब वगैरह और इस तरह। वैसे ज्यादातर अगर यहाँ पे औरतों के लिए जॉब है तो टीचर, टीचिंग की जॉब है ना, टीचिंग की बस, और कोई जॉब नहीं है? या डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, और क्या जॉब है? यही बस है, बस या टीचर बन जाओ या डॉक्टर, डॉक्टर बन जाओ, इसके अलावा कोई जॉब नहीं करनी है? यही घर बैठ कपड़े अपने सिलाई कर ले। अच्छा, घर बैठ के कपड़े कर लो, या फिर वो जो पॉलर का होता है वो औरतें करती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, वो पॉलर शॉलर का काम? अच्छा, ये कहीं पढ़ी नहीं भी होती, बस 10 पढ़ी फिर ये काम सीखा और बस। आप लोग पॉलर कहाँ जाते हैं? यहाँ पे आप लोगों ने तैयार श्यार होना शादी वादी के लिए? किधर, इधर? अच्छा, यहीं पे पॉलर है। महंगा है पॉलर, क्या रेट है इनके? हम तो वैसे जाती नहीं है ना, पैदा कोई नहीं है, शादी है हुई, शादी अच्छा। साढ़े तो ग्रामीण दिया भी आओ ध्यान नहीं करें दिया साढ़े ग्रामीण दिया। अच्छा, वो भी कर लेती है तैयार शेयर कर लिया। आप आंटी कभी तैयार हुई हैं अपनी जिंदगी में पॉलर? नहीं हुई अभी तक, नहीं हुई। और आप दोनों? आप दोनों? अच्छा, आप लोग भी प्लकिंग नहीं बनाते ना? नहीं। हाँ, प्लकिंग तो देखो मैं शहर में होती हूँ, लेकिन मैं भी नहीं बनाती। अच्छी बात है। हाँ, मैं भी जो है वो बिल्कुल भी इसको टच वच नहीं करती। हाँ, वैसे तो लड़कियां हैं अल्लाह, अपर लिप्स बनवाती हैं और प्लकिंग करवाती हैं, क्या कुछ करती हैं, पर इसको वैक्सिंग वैक्सिंग और ये वो हो गया, लेकिन पता नहीं है, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि इस तरह जो नेचुरल है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बस नेचुरल है। और सुना है इसका, बस अल्लाह माफ़ करे, सुना इसका गुनाह भी बहुत है, तो बस अल्लाह ताला माफ़। और एक दफ़ा अगर आप इन चीज़ों को करवाने शुरू हो जाए ना, फिर आदत पड़ जाती है। हाँ, फिर बंदा कहता है कि यार ये चेहरा अजीब सा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा, इधर से बाल उतारो उधर से बाल उतारो, तो बस ये सही होता है। अभी मैं वही इनको बता रही हूँ कि यहाँ पे रात को बारिश हुई है, तो अभी आग के पास बैठना अच्छा लग रहा है ना, अभी मौसम भी लग रहा है मुझे, चेंज हो गया। घर जाके हमें लॉन्ग ही कपड़े अंदर रखने पड़ेंगे और सर्दियों के निकालने पड़ेंगे। हाँ, सर्दियों के निकालने पड़ेंगे।
और आप लोग शॉपिंग वॉपिंग कहाँ से करती हैं? दरमियानी कोई दूसरा गांव है? अच्छा गांव ही है वो। अच्छे कपड़े मिल जाते हैं वहाँ से? हर चीज मिल जाती है। यानी आप ही गांव में नहीं है ना? साढ़े गाँव में ये कपड़े शपड़े शॉपिंग वॉपिंग। अच्छा अच्छा ये साढ़े दूर कोई नहीं। अच्छा फिर है भी करीब? मोटरसाइकिल भी जा सकते हैं हम? ये 5-10 मिनट लगते हैं बस। अच्छा अच्छा गाड़ी वगैरह पे मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल। अभी देखिए आग जो है ज्यादा दहक गई है ना। अब इसमें अभी कौन सी इसमें हांडी वांडी आराम से बन जाएगी? अभी जो दहकी हुई है नहीं, नीचे वैसे इस तरह आग जलानी पड़ेगी तब। अच्छा नहीं ये दम अगर हम जैसे चावलों को दम देते हैं इसके लिए ये सही है, दम देने के लिए ठीक है और हल्की फुल्की चीज गर्म करने के लिए भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं बनेगा इससे। खाने के लिए हमें ज्यादा आग जो है वो चाहिए। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों ने रात को मूंगफली इसमें भूनी थी ना? हाँ इस कढ़ाई में मूंगफली जो थी वो भूनी गई। ये नेट की है ना, जाली की है। अच्छा ये जो चूल्हा है ये जो सिलेंडर से चलता है ना? ये सिलेंडर से चलता है। अच्छा रात को आपने सिलेंडर से भूनी थी मूंगफलियाँ? नहीं नहीं। अच्छा तब इसका बहुत अच्छा था। अच्छा जी शुक्रिया। गाँव में ये रूटीन है कि लोग फजर की नमाज़ पढ़ के 4:30 बजे तक 5 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। इन सब लोगों ने 5 बजे तक नाश्ता कर लिया था, लेकिन हम थोड़ा लेट उठे थे, 9:30 बजे तक उठ गए थे तो हमने तब नाश्ता किया था। अभी हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं, सब बातचीत वगैरह कर रहे हैं आपस में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता आ गया, सब अंडे फ्राई किए गए हैं, ऑमलेट बनाए गए और हर बंदे के लिए एक अलग अलग जो है वो दही का बाउल रखा गया। ये शाहजहाँ बाहर से घूमते घूमते जो है वो आएंगे और साथ में शक्कर भी रखी थी इन्होंने दही के ऊपर डालने के लिए, और जो कनक थी इनके घर की कनक थी जो इनके अपने खेतों की है और उससे जो था वो इन्होंने जो थी रोटी बनाई थी। ये रोटी फ्रेंड्स शहर की रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा केले हैवी होती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं हैवी होती है, लेकिन इसका जायका नो डाउट बहुत अच्छा था। यहाँ पे शाहजहाँ ने चीनी पराठे के ऊपर डाल के कह दिया था कि मैं रोल बना के जो है मामा खा रहा हूँ। गैस के चूल्हों के मुनासिबत से फ्रेंड्स आग पे इन्होंने इतनी जल्दी इन गर्ल्स ने जो है वो नाश्ता तैयार किया हमारा कि बस बहुत ही फटाफट इन्होंने नाश्ता तैयार किया और ये अभी हम खाना जो है शुरू करेंगे। शाहजहाँ नाश्ता कर लें, इसके बाद हम लोगों ने फौरन निकल जाना है। और अल्लाह का शुक्र बहुत ही अच्छे नेक और मुखलिस लोग थे जिन्होंने हमारी मेज़बानी बहुत अच्छी की। अल्लाह ताला इनके रिस्क को वसी फरमाए, आमीन। इस नफसा नफसी के दौर में भी किसी ने आपको इतना पूछा, इतना कुछ आपके लिए किया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। चलिए फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको पसंद आए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।